अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग की जरी लगाते वक्त गलतियां की जाने वाली कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं कि जो आपको बाद में मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है और आपका बोर्ड भी सही तरह से नहीं लगता और उसकी फिटिंग भी नहीं होती। किसी साइड से ऊपर होता है, किसी साइड से नीचे होता है या ज़्यादा ऊपर उठा हुआ होता है, तो उस सूरत में आपका जो ये चाइना फिटिंग का बोर्ड है उसकी सारी ग्रेस ख़त्म हो जाती है। जब ये प्रॉपर तरीके से दीवार के साथ ना बैठे, यहाँ से ये जो बॉक्स लगा हुआ है, ये बॉक्स अगर आपका थोड़ा सा भी दीवार से प्लस्तर से बाहर होगा तो आपका ये बोर्ड है जो ये सही तरह से नहीं बैठेगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये आपको जरी लगानी चाहिए कि जब हमारा प्लस्तर हो तो ये हमारा जो बोर्ड बॉक्स है ये दीवार के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो आपका ये बोर्ड बिल्कुल सही तरह से बैठेगा। अगर आपका ये बॉक्स सही नहीं है तो आपका ये बोर्ड भी अच्छे तरीके से नहीं बैठेगा। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपका ये बोर्ड एक साइड से नीचे और दूसरी साइड से ऊपर होगा तो उस सूरत में भी आपका ये बोर्ड लेवल में नहीं आएगा। अगर एक साइड से नीचे या दूसरी साइड से ऊपर है तो आपका बोर्ड इस तरह से टेढ़ा लगेगा या ऐसे लगेगा। अगर आपका बोर्ड दीवार से बाहर है तो आपका बोर्ड एक साइड से इस तरह से उठा हुआ होगा, बिल्कुल दीवार के साथ नहीं बैठेगा। तो जब आपने जरी लगानी है, ये बोर्ड बॉक्स आपने लगाने हैं, तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है कि आपका जो बोर्ड है वो लेवल में हो, इस तरह से भी लेवल हो और ऊपर नीचे भी ज़्यादा ना हो, तो फिर ही आपका ये जो बोर्ड है चाइना फिटिंग की शीट है तो ये आपकी बिल्कुल सही बैठेगी। तो ये इसके हमने कनेक्शन तो कर दिए हैं, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको इसकी वायरिंग के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से वायरिंग की जाती है, कनेक्शन किस तरह से लगाए जाते हैं, ऊपर से जो लाइट्स के और फ़ैन के कनेक्शन होते हैं वो किस तरह से कनेक्ट करके नीचे लाए जाते हैं। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ भी सकते हैं और जो आपको काम नहीं आता आप हमें बता सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके।